गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन चैप्टर 9 वी आर सीइंग हाउ द फोकस फॉर्म्ड इन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। सो फोकस, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फोकस। सो व्हाट इज फोकस? फोकस इज द पॉइंट वेयर द रेज मीट टू फॉर्म द इमेज। मतलब क्या फोकस, क्या बताया मैंने कि फोकस जो होता है, अगर आप एक लेंस ले लो, ये आपने ले लिया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया उसका ऑप्टिकल सेंटर, ये है उसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कैंडल है, सपोज मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, आप एक कैंडल ले सकते हो, कोई भी लाइटिंग ऑब्जेक्ट ले सकते हो, कुछ भी। तो यहां से आपकी जो है वो रेज आ रही है, रेज है ना, ये रेज रे नंबर वन हो गई। ये जो रेज आ रही है, ये पहला रेज, मल्टीपल रेज आती हैं, है ना। किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए हमको क्या चाहिए? मल्टीपल, एटलीस्ट टू और थ्री और मल्टीपल रेज की जरूरत पड़ती है। तो ये रेज आ रही है, जब ये रेज क्या होती है, लेंस में एंटर करने के बाद ये यहां से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। रेज क्या होती है? रिफ्रेक्ट होती है। रिफ्रेक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट पे जाके क्या होती है, मीट हो जाती है। और जिस पॉइंट पे मीट होती है, वहीं पे हमें क्या दिखता है? इमेज दिखता है। किसका इमेज दिखता है? ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है। तो ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेज निकलती है और वो आकर लेंस से होकर किसी एक पॉइंट पे जब वो मीट हो जाती है रेज सारी, तो वहां पे क्या बनता है? इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। और ये जो पॉइंट है जहां पे इमेज बन रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फोकस। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। अगर फोकस नहीं होगा तो हमें इमेज भी नहीं दिखेगा, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन द रेज फ्रॉम द लेंस मीट एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट वी सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड फोकस ऑफ दैट लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस में आपका जो फोकस होता है वो रियल फोकस बनता है। अगर आप बात करो कॉन्वेक्स लेंस की, ये देखो, ये हमने बना दिया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, ये क्या हो गया उसका ऑप्टिकल सेंटर, ये उसका सेंटर हो गया, ठीक। अब देखो, जब लेंस में से रेज निकलेंगी, तो रेज निकलने के बाद यहां पे बनती है, कहां बनती है इसका, आप देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है कोई भी, तो आप कहीं से भी रेज निकालो, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहां से आपकी रेज जा रही है, ये रेज आ रही है, ये हो गई, ये हो गई पैरेलल रेज टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ऐसे ही हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से भी रेज निकाल देते हैं, ये हो गई मल्टीपल रेज आ गई, ठीक है। अब ये जो मल्टीपल रेज आ रही है, देखो बेटा, यहां पर आपका दो मीडियम काम करता है। दो मीडियम कैसे काम कर रहा है ना, ये जो है ये कौन सा मीडियम है? एयर। और हम जानते हैं कि जो लेंस है वो किससे बना होता है? ग्लास से। लेंस किससे बनता है? ग्लास से, है ना। इसके पहले भी क्लासेस हम क्या पढ़ चुके हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तब तो वहां पर लाइट क्या होती है? रिफ्रेक्ट हो जाती है, मतलब लाइट बैंड हो जाती है ना। तो ये आपकी लाइट रेज हो गई है, ठीक है। ये लाइट रेज अभी एयर में है, एयर से कहां जा रही है? लेंस में। लेंस क्या है? ग्लास। मतलब लाइट रेज अभी आपकी रेयर और मीडियम से कहां जा रही है? डेंसर मीडियम में जा रही है। तो जब लाइट रेज रेयर और मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो टूअर्ड्स द नॉर्मल क्या होती है? रिफ्रेक्ट हो जाती है, है ना। तो ये जो लाइट है, देखो ये लाइट का ये सीधा सीधा पाथ ये होना चाहिए था, इस लाइट का भी सीधा सीधा पाथ क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था, ये इसका ओरिजिनल पाथ है दोनों का। लेकिन ये लाइट रेज सीधी नहीं जाएंगी, ये क्या होंगी? यहाँ पे रिफ्रेक्ट हो जाएंगी। ये क्या होती है? यहाँ पे स्लाइटली रिफ्रेक्ट हो जाती है, दोनों लाइट यहाँ पे रिफ्रेक्ट हो जाएगी, है ना। फिर रिफ्रेक्ट होगी, अब ये लाइट रेज यहाँ पे घुस गई, रिफ्रेक्ट हो गई, फिर जब वो ग्लास से वापस कहाँ जाएंगी? एयर में। अब ये मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देती हूँ। देखो ये लाइट रेज जब यहाँ पे लेंस के अंदर एंटर करेंगी, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होंगी? बैंड हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो ये जो था इसका ओरिजिनल पाथ था, लेकिन ये लाइट रेज स्लाइटली क्या होती है? बैंड हो जाती है, अपने ओरिजिनल पाथ पे नहीं जाती है, स्लाइटली बैंड हो जाती है, ये हल्की सी क्या होती है? बैंड हो जाती है टू आवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक।
फिर जब वो ग्लास से जब बाहर आएगी तो और बेंड हो जाएगी, ये ग्लास है ना, ग्लास से जब लाइट रेस बाहर आएंगी तो वो क्या होंगी, डेंसर मीडियम से वापस किस में जाएंगी, रेयरर मीडियम में, तो थोड़ी सी और बैंड होके निकलेगी, ये भी थोड़ी सी और बैंड होके निकलेगी, तो ये थोड़ा थोड़ा सा क्या होगा, बैंड हो जाएगा, और ये बैंड होके एक पॉइंट पे आके क्या होंगे, लाइट रेस मीट करेंगी, और जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगे उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक, तो ये जो हमारा लेंस होता है यहाँ पे जो रिफ्रेक्शन होता है वो कैसे होता है, टू टाइम्स होता है, डबल रिफ्रेक्शन होता है लेंस के अंदर। कैसे डबल रिफ्रेक्शन होता है, पहले ये रेज कहाँ थी, एयर में, एयर से कहाँ गई, लेंस के अंदर, तो जब वो एयर से लेंस में जाएंगी तो हो गया आपका रिफ्रेक्शन नंबर वन। क्या हो गया, रिफ्रेक्शन नंबर वन, क्योंकि वो एयर से कहाँ जा रही है, लेंस में। फिर जब लाइट रेस लेंस से वापस कहाँ आएंगी, एयर में, तो हो गया आपका रिफ्रेक्शन नंबर टू। तो कितनी बार रिफ्रेक्शन हुआ, टू टाइम्स, जब लाइट रेस एयर में थी और जब लाइट रेस ग्लास से एयर में आई, है ना। तो लेंसेज में डबल रिफ्रेक्शन होता है, ठीक। और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, सारी रेज, ये जो ऊपर वाली रेज है, फिर ये नीचे वाली भी रेज है, ये सारी रेज क्या होती है, एक पॉइंट पे जाके मीट होती है। देखो ये ऊपर नीचे सभी तरफ से लाइट रेज एक पॉइंट पे जाके क्या होती है, मीट हो जाती है। तो ये खुद ही रिफ्लेक्ट होके मीट हो रही है ना, हमने तो लाइट को बैंड नहीं किया, लाइट एयर से ग्लास में गई, लेंस में गई, लेंस में जाने के बाद फिर से वो लेंस से बाहर आई और ये लाइट रेज आके एक पॉइंट पे मीट हो गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट हो गई। तो इसको हम बोलते हैं रियल फोकस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रियल फोकस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में आपका जो फोकस बनता है वो कैसे बनता है, रियल फोकस बनता है, इसलिए हमको यहाँ पे हो गया ये रियल फोकस, कॉन्वेक्स लेंस में रियल फोकस बनता है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कॉनकेव लेंस में फोकस कैसे बनता है। अब हम बना लेते हैं कॉनकेव लेंस, ये हमने बना लिया कॉनकेव लेंस, ठीक। इसमें भी सेम वही प्रिंसिपल एक्सेस आ जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया इसका, ये क्या हो गया उसका, ऑप्टिकल सेंटर, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस है। चलो अब थोड़ा लेंस को थोड़ा बड़ा करते हैं तो अच्छे समझ में आएगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं लेंस को हम लोग। ये थोड़ा सा लेंस को बड़ा कर दिया, ठीक समझ में आ रहा है ना लेंस, या फिर से बना दो। चलो फिर से बना देती हूँ ये लेंस को, मैं फिर से बना देती हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ। हमको पता है ना जो लेंस एंड पे वाइडर होता है, सेंटर पे टैपर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो ये आपका बन गया कॉनकेव लेंस, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक। अब यहां से लाइट रेज आ रही है, ये लाइट रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, यहां से भी हम लाइट रेज निकाल देते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, ये किस में जा रही है आपके, कॉनकेव लेंस में जा रही है। तो हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में जो लाइट रेज होती है वो क्या होती है, कन्वर्ज होती है, मीट होती हैं, लेकिन कॉनकेव लेंस में लाइट रेस क्या होती हैं, डाइवर्ज होती हैं, है ना, वो क्या करती हैं, अवे ऑफ नॉर्मल बैंड होती है। और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, टूअर्ड्स द नॉर्मल बैंड होता है, अवे ऑफ नॉर्मल मतलब कॉनकेव लेंस में लाइट रेस नॉर्मल से दूर जाकर रिफ्रेक्ट होती है, ठीक है। तो इसमें जब लाइट रेस आएंगी तो ये लाइट रेस कैसे रिफ्रेक्ट होंगी, ये लाइट रेस आपकी ऐसे करके रिफ्रेक्ट हो जाएगी, फिर यहां से भी ये लाइट रेज ऐसे करके रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक। और ले लेते हैं लाइट रेज, ये एक और लाइट रे ले ली हमने, ये भी क्या होगी, ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, एक और लाइट रे ले लेते हैं, ये भी क्या होगी, ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब देखो कॉनकेव लेंस में तो लाइट रेज मीट ही नहीं हो रही है ना, अगर मीट नहीं होंगी तो फोकस बनेगा क्या, नहीं बनेगा। मैंने क्या बताया था इसके पहले कि फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे लाइट रेज आके क्या होती है, मीट होती है, लेकिन कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस में देखो यहाँ पे तो लाइट रेस दूर दूर चले जा रही है, इधर ये ऊपर चली गई, इधर ये नीचे चली गई, मीट ही नहीं हो रही है कहीं पे, तो फोकस कहाँ से मिलेगा, इमेज कहाँ बनेगा इसका, इमेज बनेगा नहीं क्या, ऐसा लगता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है इसका। देखो अब हम क्या करते हैं इसको, अब ये तो आगे की तरफ चली गई, ये इधर चली गई, अब हम क्या करते हैं इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा और क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ये जो लाइट रे ऐसे जा रही है रिफ्लेक्ट होके, इसका हम पीछे थोड़ा सा प्रोजेक्शन करते हैं, इसको पीछे की तरफ लेके आते हैं। देखो ये मैंने लेके आया पीछे की तरफ, इसको भी हम क्या करते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके आते हैं, फिर ये वाली लाइट रे को भी हम थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, और इसको भी हम क्या करते हैं थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक। तो देखो ये जो लाइट रे यहां से रिफ्रेक्ट होके जा रही थी, इसको हमने पीछे की तरफ और बढ़ा दिया,
फिर ये भी रिफ्लेक्ट हो जाए, इसको भी थोड़ा हमने बैक साइड क्या किया प्रोजेक्ट किया, इनका इसको भी हमने क्या किया बैक प्रोजेक्ट किया, इसको भी क्या किया बैक साइड प्रोजेक्ट किया। तो आफ्टर प्रोजेक्शन ये लाइट रेज यहाँ पे आके मीट हो रही है, कहाँ पे आके मीट हो रही है यहाँ पर, है ना। तो इसका जो फोकस पॉइंट है वो कहाँ बनेगा, यहाँ, यहाँ बनेगा फोकस पॉइंट। मिरर के सामने नहीं बन रहा है, कहाँ बन रहा है यहाँ बन रहा है ना। तो जहां पे लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही है वहां पे ये मीट नहीं हो रही है, इनका जो मीटिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है पीछे जा रहा है। तो ये जो एक्चुअल में ये जो है ये वर्चुअल है, ये हमने क्रिएट किया है, ये अपने आप से नहीं हो रहा है लाइट रेज का, ये हमने क्रिएट किया है। तो ये क्या है वर्चुअल, ये क्या हो रहा है वर्चुअल। तो ये जो फोकस पॉइंट है ये भी क्या बनेगा वर्चुअल। तो कॉन्केव लेंस में जो फोकस बनता है वो वर्चुअल फोकस बनता है। कैसा फोकस बनता है वर्चुअल। वर्चुअल मतलब क्या होता है कि कोई चीज दिख तो रही है लेकिन एग्जैक्टली वहां पर रहती नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं वर्चुअल, ठीक है। तो ये फोकस यहाँ पे इमेज यहाँ बन रहा है लेकिन एग्जैक्ट इमेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, है ना, क्योंकि लाइट रेज तो रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है लेकिन जब उसको बैक साइड प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका फोकस यहाँ बन रहा है। सो इन कॉन्केव लेंस फोकस इज वर्चुअल एंड सॉरी इन हाँ ओके इन कॉन्केव लेंस फोकस इज वर्चुअल एंड इन कॉन्वेक्स लेंस फोकस इज रियल। अब आपको समझ में आया होगा कि कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकस होता है, एक बार मैं आपको पूरा फेयर करके बताती हूँ, ठीक है। चलो देखो ये दोनों पार्ट बताते हैं। ये क्या था आपका कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस में जब लाइट रेज जा रही थी, ये लाइट रेज जब जा रही थी तो लाइट रेज ऑटोमेटिक रिफ्रेक्ट होके एक पॉइंट पे क्या हो रही थी मीट हो रही थी, ये क्या बना था फोकस। ये खुद ही रिफ्रेक्ट होके जाके एक पॉइंट पे मीट हो रही थी, इसलिए हमको उसको बोला रियल फोकस। लेकिन जब हमने क्या लिया कॉन्केव लेंस लिया, कॉन्केव लेंस लिया तो यहां पे जो लाइट रेज है वो खुद मीट नहीं हो रही है, लाइट रेज तो यहां से रिफ्रेक्ट होकर ऐसे निकल गई। इनको मीट करने के लिए हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और ये पीछे की तरफ एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे क्या बना इसका फोकस। तो ये क्या हो गया वर्चुअल फोकस और ये क्या हो गया रियल फोकस। क्लियर है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है और आपका जो कॉन्केव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्लियर है फोकस कैसे बनता है कॉन्वेक्स लेंस में और कॉन्केव लेंस में, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, इसको हम बोलते हैं रे डायग्राम, और रे डायग्राम हम लोग कल स्टडी करेंगे। ओके थैंक यू।